ललन टॉप अड्डे पर अगले परफॉर्मर हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हर्षदीप, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सत श्रीकाल जी। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम हर्षदीप है। पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि कानपुर में मेरा नाम हर्षदीप बोला जा रहा है, वरना हर्षदीप बोला जाता है। तो वैसे मेरे को शुक्रिया करने की आदत है, शुक्रिया सर। पहली बार ऐसा हो रहा है और मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि ऐसे इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करना है, पर मुझे आदत है अगले महीने भी मैं यहीं मिलूँगा, लंगर यहीं पर, तो थोड़ा फैमिलियर हूँ मैं इस चीज़ से। दूसरी एक और बात बतानी थी कि कल मेरे पास कॉल आया सौरभ जी का कि आपको ऐसा हम मौका देना चाहते हैं। तो पहले मैं डर गया कि सौरभ द्विवेदी जी की कॉल करें डायरेक्टली, फिर बाद में बताया सौरभ त्रिपाठी है, तो मैं थोड़ा इतनी इज्जत की आदत है नहीं थोड़ा हमें आराम से। थोड़े कानपुर की बात करते हैं, मेट्रो बन रही कानपुर में और बहुत तेज़ी से बन रही है, बहुत खुश है लोग इसको लेके। मेरे एक दोस्त से कुछ ज़्यादा ही खुश है, स्वरूप नगर में रहता है, वो कह रहा है मेरे घर के बाहर एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है तो प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाएंगे, पर वो रहता किराए के घर पर। तो मैंने बोला क्या ले लिया, क्या खरीद लिया? कह रहे नहीं कब्ज़ा कर लिया। पर कानपुर में बहुत दिक्कत है, कब्ज़ा बहुत लोग करते हैं। अगर जिस हिसाब से कानपुर कब्ज़ा कर रहा है, उन्नाव कानपुर NCR में आ जाएगा, और UP में नाम तो बदला ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब जैसे अभी सीट पे आपने बैड रखा हुआ है, अभी आप हटा लीजिए कोई कब्ज़ा कर लेगा, अब हटा नहीं नहीं मतलब ललन टॉप का शो है, सीट कोई नहीं छोड़ेगा इस समय, मैं मजाक कर रहा हूँ, पॉलिटिकल माहौल है, सीट छोड़ने के बाद बिल्कुल नहीं। और भी बहुत दिक्कत है कानपुर में, कुछ चीज़ों के लिए बदनाम है यहाँ पे, क्या कहते हैं, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अंधविश्वास पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। मेरे घर पे एक बार चोरी हो गई तो मैंने दादी को बोला कि 100 नंबर डायल कर लेते हैं, वो कह रही 101 करो शुभ होता है। बहुत गाली दी एम्बुलेंस वालों ने यार, बहुत गाली दी। एक मैं चप्पल खरीदने गया, उसने एक चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर उल्टा रख के दे दिया, तो मैं बोला आपको पता नहीं ऐसे करने से लड़ाई हो जाती है? कह रहे नहीं होती, हमारी इस बात तो लड़ाई होगी। लेकिन कुछ कुछ लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ लखनऊ गया इंटरव्यू देने के लिए, मैंने MBA करा है, वो 12वीं फेल है, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। मैं लड़ने लग पड़ा, मैंने कहा मेरा कैसे नहीं हुआ? कह रहे प्रसाद को कैसे मना करते, उसका नाम प्रसाद। तो वो और भी खुश है क्योंकि वो जिस बंदी से शादी करना चाहता है उसका नाम लक्ष्मी है, तो भाग के शादी कराया, कह रहा है आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है, बड़ा फ़ायदा है उसका। मुझे ऐसा सुनने में आया कि थोड़ा टाइम कम है, तो मैं जल्दी मैं भी ख़त्म करूँगा एक आखिरी एक जल्दी से थॉट पे, वैसे तो और भी था मेरे पास, कि कानपुर में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी सरकार बन जाती है सेंटर में उसकी पलट जाती है। तो हमें तो बहुत आदत है UP में ऐसे सरकार पलटती है, सरकार में UP मतलब कुछ भी हो सकता है, सरकार पलट जाती है, नाम पलट जाते हैं, कभी कभी गाड़ियाँ पलट जाती पता नहीं चलता, तो ये तो आदत है। कानपुर में एक और दिक्कत है, उसके बारे में बात कर सकता हूँ, कि एक बार मैं न्यूज़ में देख रहा था और उस पर आ रहा था कि पुलिस बहुत कंफ्यूज है, एक डेड बॉडी मिली है और वो कह रहे हैं कि गोली उसके पेट में लगी तो मुंह से ज़्यादा खून क्यों निकल रहा है। मैं चेक करो पान हो गया यार, कानपुर में बहुत बुरी आदत है। अगर ताजमहल कानपुर में होता तो लाल किला बन जाता, जो लाल इमली है ना पहले इमली थी, लाल तो कानपुर के लंडों ने करी उस। कानपुर इकलौती जगह जहाँ पे लड़कों की भी लाली आती है। लेकिन मेरे को एक कन्फ्यूजन है, एक आखिरी थॉट, कि ऐसा बोला जाता है कि भगवा जो कलर है, जैसे यहाँ पे भी कुछ लोग ऑरेंज पहन के आए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, वो लोगों को कनेक्ट करता है, और मैं मानता हूँ हमारे यहाँ उसको केसरी बोला जाता है, और मैं हमेशा से ऐसा लगता था। तो एक दिन मैं भी ऐसी केसरी कलर की पगड़ी पहन के मोती झील आ गया, 14 फरवरी थी, लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं, तो पास आना चाहिए था ये, तो बहुत दिक्कत है। तो मैं अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पाया हूँ, बाकी थैंक यू।